वेलकम टू प्रोग्राम लज़त। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे, मज़े मज़े की रेसिपीज़ इंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छा लग रहा होगा। जब खाने अच्छे बने होते हैं तो मूड अच्छा हो जाता है। हम सारे लोग जो हैं खाने के शौकीन होते हैं, बस अवॉइड किसी ना किसी रीज़न के तहत कर रहे होते हैं। समटाइम डाइट्स के पॉइंट ऑफ से, डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड कर रहे होते हैं। समटाइम्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ अवॉइड इसलिए कर रहे होते हैं कि कोई रीज़न के तहत डॉक्टर ने कोई एक चीज़ मना कर दी हो या फलां चीज़ मना कर दी हो, तो वो। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को चाहिए होते हैं अच्छे अच्छे खाने जो कि बनाएं हर तरह से, जो कि आपको मसाला टीवी एंड ऑफकोर्स समीना आप आपको दे रही हैं बेहतरीन रेसिपीज़। वेल, आज क्या है, आज क्या रेसिपीज़ हैं आपने ये तो हमें क्लियर कर दिया है। अभी हमने फुल स्टॉप नहीं लगाना है, बकरीद की रेसिपीज़ को इन्जॉय करते रहेंगे हम। तो जी, आज भी आई एम श्योर कुछ इसी तरह से रिलेटेड, मीट से रिलेटेड होगी कोई रेसिपी, वो जानेंगे। पर उससे पहले आज आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करते हैं। हो सकता है आप लोगों के लिए नई ना हो, कुछ लोगों को मालूम हो, और जिनको नहीं मालूम है तो वो सुन सकते हैं। मैंने पढ़ा, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कलर्स के बारे में। मैंने भी आज कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन पहना जो अट्रैक्ट करता है। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि पूरी दुनिया में एक कलर ऐसा है जो बहुत पॉपुलर है या बहुत फेमस है या बहुत पसंद किया जाता है? वो कौन सा कलर है? वो कलर है ब्लू। ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इवन के वर्ल्ड वाइड सर्वे है 10 कंट्रीज़ में, इवन 4 कॉन्टिनेंट्स में, इंक्लूडिंग चाइना भी, 4 कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ चाइना भी ऐसा है जिसमें जी ब्लू कलर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसे एडमायर किया जाता है और इसे एक अच्छा कलर कहा जाता है। जबकि चाइना में उनका जो एक सिंबल है वो रेड कलर है, लेकिन उसके बावजूद ब्लू कलर पसंद किया जाता है। हमारा रेड हम सबको मालूम है जी, प्यार के लिए और नफ़रत के लिए रेड कलर को पसंद किया जाता है या सिंबल किया जाता है। और इसके साथ साथ ग्रे कलर ऐसा है जो कि एंजाइटी को शो करता है। तो कोशिश करें कम से कम वो कलर भी वेयर करें, क्योंकि वो एंजाइटी को शो भी करता है और इसके साथ साथ समटाइम्स कलर आपकी पर्सनालिटी पे भी अफेक्ट करते हैं। ग्रीन कलर होप का है, खुशी का है, पीस का कलर है, जो कि हमारे झंडे का भी कलर है ऑफकोर्स, तो ये इसी की निशानदेही करता है। तो ये कुछ कलर्स की हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ बताऊँ, एक तो मैंने बता दिया आपको सबको फेवरेट कौन सा कलर है या पॉपुलर कौन सा है, और सबसे अगलीस्ट कलर कौन सा है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। मैंने सुना, मैंने कहा ओह माय गॉड सीरियसली, वो है डार्क ब्राउन कलर। सबसे अगलीस्ट कलर सर्वे के मुताबिक, स्टडी के मुताबिक कहते हैं डार्क ब्राउन कलर कम से कम लोग पसंद करते हैं, है ना मज़े की बात। चलते हैं आपा की तरफ और उनसे पूछते हैं आज की क्या है रेसिपीज और क्या खास बना रहे हैं हम बकरीद की रेसिपीज में। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। अच्छी लग रही है, फ्रेश फ्रेश माशाल्लाह। कलर का सारा कमाल होता है इसमें, जो कलर पहने वो रिफ्लेक्ट करता है और पर्सनालिटी पर ये बिल्कुल देता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और डेफ़िनेटली इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज क्या मीट से कोई रेसिपी बनने वाली है। आज हम बड़ी अच्छी दोनों रेसिपीज़ बना रहे हैं। आप इसमें कि एक रेसिपी जो बन रही है इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे कि आप एक रेसिपी बनाएं तो उससे 3 रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं। अरे वाह, टाइम भी सेव हो रहा है। बिल्कुल, तो आज हम बनाएंगे बड़ी ज़बरदस्त सी बनाएंगे सबसे पहले तो सीख कबाब बिरयानी। अब सीख कबाब बिरयानी जब बनाएंगे तो जैसे आप सीख कबाब आपने बनाए हैं तो आप इसको वैसे भी सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं, फिर इसकी बिरयानी भी बना सकते हैं, फिर इसकी कढ़ाई भी बना सकते हैं। सीख कबाब कढ़ाई बन सकती है जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार। तो बिल्कुल आपके फ्रीज़र में होना चाहिए भाई सीख कबाब, हाँ, तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा बनाएंगे हम मटन दो प्याज़ा। भुना मटन दो प्याज़ा कैसे बनेगा? बहुत ही शानदार बनेगा इंशाल्लाह ताला। अब सीख कबाब आप बनाने के बाद जब फ्रीज़ करते हैं तो उसके लिए उसका तरीका ये है, आप उसको थोड़ा सा हल्का फ्राई करके रखें। अगर आप उसको कच्चा रखेंगे, जब आप उसको निकाल के थॉ करके उसको फ्राई करेंगे तो क्या होता है कि उससे थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं या कभी कभी वो श्रिंक भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो हल्का फ्राई करके रखें बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद आप उसको ज़्यादा फ्राई कर लीजिए, स्मोक आप बाद में दीजिएगा और 3 रेसिपीज क्रिएट कीजिएगा इस एक रेसिपी से। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हाँ, तो चलें की बात है। चलते हैं जी, शुरू करते हैं। इससे बेहतरीन बात कोई नहीं हो सकती कि एक रेसिपी और उससे 3 डिफरेंट रेसिपीज बना लें। बिल्कुल, वाह। तो देखिए होना भी यही चाहिए, घर में खवातीन बहुत बिजी रहती हैं। अगर आपके सीख कबाब बनाए हैं, आपने वैसे ही सैलड के साथ सर्व किए हैं,
पराठे के साथ सर्व किए हैं, तो क्या है इसको मेन कोर्स में आप किस तरह से शामिल कर सकते हैं? बिरयानी बना लीजिए उसकी, या फिर आप उसकी बहुत ही अच्छी सी कढ़ाई बना लीजिए। अब कढ़ाई बनाने के लिए आपको नॉर्मल अपने इंग्रेडिएंट लेने होंगे जो कि हम कढ़ाई बनाने के लिए अमूमन ले रहे होते हैं ना। ठीक है जी, तो स्टार्ट पहले हम करते हैं कि सी कबाब कैसे बनते हैं। ज़ाहिर है जब ये बन जाएंगे तभी बाकी चीज़ें बन सकेंगी ना। अच्छा जी, इसके लिए मैंने बीफ का यहाँ पर कीमा लिया है, 1/2 kg मेरे पास कीमा है और अच्छा बारीक ही है, लेकिन फिर भी इसको हम पीसेंगे। ठीक है जी, ये गया इसमें 1/2 kg बीफ का कीमा। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये हरी मिर्च। ठीक है जी, हरी मिर्च डाल देते हैं, 1 से 2 डाल दें, 3 डाल दें जितनी आपको अच्छी लगती, लेकिन मैं 2 डाल दें क्योंकि मुझे लग रहा है खासी बड़ी है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चला गया, और डालेंगे फ्राई की हुई प्याज। अब आप एक मीडियम साइज़ की प्याज लीजिएगा, उसको फ्राई करके क्रश कर लीजिएगा जो ये चली गई इसके अंदर। ठीक है जी, पिसा हुआ गरम मसाला ये जाएगा 1 teaspoon। ठीक है, थोड़ा सा भुना हुआ बेसन। अब बेसन किस लिए लेते हैं? हल्की सी बाइंडिंग के लिए लेते हैं, तो ये मेरे पास मौजूद है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी, तकरीबन 2 tablespoon था, सही है। हरा धनिया डालेंगे हम इसमें, ये गैस में हरा धनिया तकरीबन 2-3 tablespoon ले लीजिएगा। अब डालेंगे हम इसमें कोई भी अच्छी क्वालिटी का सी कबाब मसाला आप ले लीजिएगा, तो ये मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ तकरीबन, ये गैस में 1 और ये 1.5 tablespoon डाल ली। अब आपकी मर्ज़ी, थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बाज़ार के मिक्स मसाले आते हैं ना, इससे क्या होता है कि ज़रा सा एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है ना। नमक, हाँ बिल्कुल, नमक मैं जायके के मुताबिक डाल रही हूँ, तो इसलिए मैं 1/2 teaspoon इसमें डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मसाले में नमक है। अब नमक मिर्च की बात आ रही है तो मिर्चें भी डालेंगे इसके अंदर। अब ये आप पे डिपेंड करता है, ये यहाँ पर मैं 1 teaspoon डाल रही हूँ। ठीक है जी, ये हमने डाल दी। अब हम क्या करते हैं, इसको बहुत ही अच्छा सा बारीक सा पीस लेते हैं। ठीक है जी, चलो तमाम मसाले डालने के बाद बहुत अच्छे से पीस लेते हैं। वैसे इस तरह के कबाब और स्पेशल फ्राइड पर तो थोड़ा चटपटा चाहिए होता है। चटपटा चाहिए होता है, डाल दूँ मसाला और ठीक है, थोड़ा इंतजार अच्छा सा हो गया। वैसे तो कीमा बहुत अच्छा सा हुआ है। हाँ। लेकिन क्या है कि ये अच्छा, जब भी आपको सी कबाब बनाने ना, तो आप ये मत कीजिएगा जी आपने बस चीज़ें मिक्स क्यों बनाना शुरू कर दी। घर में इसको आपने रखना है थोड़ी देर तक ना। ठीक है, वैसे ये बड़ा अच्छा सा कीमा था, और हल्की सी अगर चिकनाई भी इसमें शामिल होगी तो उससे क्या होगा कि आपके जो कबाब हैं वो बड़े अच्छे और जूसी बनेंगे। ठीक है, और इसको और थोड़ा सा मैं पीस लूँगी। कहते हैं वैसे थोड़ा सा चिकनाई, क्योंकि हम लोग घर में बनाते हैं तो बिल्कुल चिकनाई अलग कर देते हैं, नहीं चाहिए हमें वो, लेकिन जब बाज़ार के जब हमें अच्छे लगते हैं कि वो सारे कबाब जो बाज़ार के बहुत ही जूसी होते हैं तो वो चिकनाई वाले होते हैं। थोड़ा सा अच्छा पता है, थोड़ा सा होता ही है कि घर में मुझे तो थोड़ा सा ये डर होता है कहीं इसमें चिकनाई हमने डाल दी तो ऐसा ना हो कि ये टूट जाए कबाब ना। चिकनाई से मुझे अमूमन ये लग रहा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाज़ार में हम जो खाते हैं जूसी जो इतने अच्छे लगते हैं उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर थोड़ी सी चिकनाई शामिल होती है। ये पिस्क है, बहुत अच्छा सा आप देख सकते हैं, ये देखिए जी बहुत ही शानदार से ये पिस्क है। ठीक है, अब ब्रेक में मैं इसके सी कबाब बनाऊँ। अच्छा, ये वाले सी कबाब थोड़े से छोटे बनाएंगे क्योंकि हमें बिरयानी में डालने ना, थोड़े से हम इसको छोटे बनाएंगे। बना के इसको हम फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद हम इसको कोयले का धुआं लगाएंगे। ठीक है, यानी 3-4 kilo के कीमे के साथ बना लें ताकि वो जगह जगह डिवाइड कर सकें। कर सकें बिल्कुल, ओवरसी 3-4, अगर जब अपने घर में 6-7 लोग हैं तब आप 3 kilo के बना सकते हैं, तो 3-4 आप रेसिपीज इससे बना सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन अगर आपके घर में 4-5 लोग हैं या 2-3 लोग हैं तो फिर इतना ना बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा देर फ्रीज़र में रखने से भी चीज़ों के जायके ख़राब हो जाते हैं। ये तो सच है, और जैसे कि आजकल मौसम है ना, लाइटें भी जा रही हैं, बरसात का मौसम है, तो ज़रा अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों। यस, कराची में ही नहीं हो रही बारिश, बाकी तो पूरे पाकिस्तान में। ओह माय गॉड, सारे लोग इंजॉय करेंगे। आप इजाज़त दें, आप बिल्कुल ब्रेक ले लें, मैं ब्रेक टाइम में काम करती हूँ, इनको बनाना शुरू कर देती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसको फॉन्ड बना लूँ। बना के हम इसको कैसे फ्राई करेंगे ये आपको बताएंगे। तो हम घर पे कितनी देर रखें? घर में कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप इसको रखें, उसके बाद आप इसको करें,
तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। डन है जी, तो एक डेढ़ घंटा इंतज़ार, उसके बाद आप चाहें तीन जगहों पे करें और तीन रेसिपीज़ आप क्रिएट करते जाएं इन्हीं सीख कबाब के साथ। वेल, यहाँ तो बिरयानी बन रही है, वो भी सीख कबाब से। सुनी है कभी? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आप से देखूँगी, सीखूँगी और ट्राई करूँगी। वेल, आगे क्या हो रहा है, ख़ास है हमारी आज की रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन अभी चारे ब्रेक पर फिर आप लोग को ज्वाइन कर पाएंगे। जी वेलकम बैक, और यहाँ सीख कबाब बिरयानी बन रही है। कबाब अब आप देख सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा सा शेप आपा देती जा रही है। अच्छा, आपा बड़े अच्छे सीख कबाब हमेशा बनाती है, बहुत स्मूथ, बहुत प्रॉपर, बहुत ही एक ही शेप और एक ही साइज़ के, मतलब ना ज़्यादा कोई मोटा होगा ना पतला होगा, तो कोशिश करती हूँ। अच्छा, वैसे भी मैं अब यकीन करें कभी भी कबाब है, कोफ्ते हैं, इस टाइप की चीज़ें मैं कभी किसी से नहीं बनवाती अपने घर में, हमेशा मैं खुद बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रा छोटे बड़े से, खैर अब मुझे नहीं पता, पता नहीं कितनी दफ़ा ऐसा हुआ होगा, लेकिन कोशिश यही करती हूँ। अच्छा, मुझे लगा मुझ पे ही भरोसा नहीं आपको। आप परेशान ना हो, चाहो कि घर में भी यही है। मैं किसी से नहीं वो करती, कोई कहेगा भी कि मैं बना, मैं कहती नहीं नहीं नहीं, चाहे मुझसे ख़राब हो जाए, लेकिन मैं किसी के ख़राब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ ज़रा बराबर से अच्छे से बने हुए होना चाहिए। तो ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे बना कर रख दिया, अभी मैं ब्रेक टाइम में दोबारा से बना लूँगी। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनाने जा रहे हैं, मटन दो प्याज़ा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको कर लूँ, ठीक है, ये तो मैं ब्रेक में कर लूँगा, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसके लिए अब आप फौजी वनस्पति ले लें या कुकिंग ऑयल ले लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ और हाफ़ अ कप इसमें ऐड करूँगी। फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो कि भरपूर है विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है, यूएसडी ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, हिफ्जान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति। इसलिए हम हर खाने बनाते हैं इसी में, फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या फिर वनस्पति में, और चाहते भी यही है कि आप भी बनाएं, इसलिए बार बार बताते हैं ताकि आप भी सेहत से भरपूर खाने तैयार करें और जायकेदार। चले जी, अच्छा जी, इसमें मैंने डाली प्याज, ठीक है। अच्छा, ये बन रहा है मटन दो प्याज़ा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसमें दो तरह से प्याज पड़ती है, एक तो ये पिसी हुई प्याज, तकरीबन एक प्याज लीजिएगा, उसको पीसिएगा। यहाँ पे मटन जो है मेरे पास बॉईल है, आप अपने घर में जब इस्तेमाल करेंगे तो कच्चे काट लीजिएगा। ये मेरे पास 750 ग्राम था जिसको मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉयल किया है। इसके अलावा टमाटर हैं दो अदर, इसके अलावा दही है, और इसके अलावा साबुत लाल मिर्चें हैं, और साथ ही ये मेरे पास थोड़ी सी मौजूद है यहाँ पे क्यूब कट प्याज। इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे ये आपको हम अभी बताते हैं। पहले मैं इस प्याज को थोड़ा सा गोल्डन कलर दे के और उसको मैं बाहर निकाल लूँगी, इसके बाद क्या करेंगे ये आप देखते रहिए। ओके, तो हम कॉलर ले लेते हैं फरजाना जी हमारे साथ लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरी आवाज मुझे पता है, समीना ने पहचान ली होगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। समीना, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बड़े ज़माने के बाद आपने हमसे कुछ बातचीत की है, खैरियत? कुछ नाराज़गी है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी नाराज़गी नहीं है। आप वो मुझे आपके लफ्ज़ ज़माने से एक गाना याद आ गया, कहाँ थे आप ज़माने के बाद आए हैं। ओए होए, क्या बात है। समीना, आपको पता है कि आपकी माशाल्लाह जितनी रेसिपीज मैंने ट्राई की है और मैंने कितनी इज्जत और शोहरत पाई है अच्छे अच्छे खाने पका के, आप इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया फरजाना। और मैं भी आने वाली नस्लों को भी सिखा रही हूँ, आजकल यंग गर्ल्स को आजकल आपकी रेसिपी सिखा रही हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छी बात है। जबरदस्त। अच्छा, कोई फरमाइश करना चाहेंगी फरजाना, या कुछ बताना चाहेंगी, कोई और चीज शेयर करना चाहेंगी? समीना, असल में कुछ पिछले दिनों में आपका शो मिस हो गया, अगर आपने किसी शो में निहारी बताई है ना तो वो मुझे बता दें। हालांकि निहारी वैसे भी बहुत अच्छी पकाती हूँ, लेकिन जो आपकी निहारी है वो मुझसे मिस हो गई है। अगर आप बना चुकी हैं तो मुझे बता दें, मैं सर्च कर लूंगी कहीं से। नहीं नहीं, वैसे तो हम लज्जत शो पे बना चुके हैं निहारी, और दिल्ली की जबरदस्ती निहारी मैं बना चुकी हूँ, तो आप हमारे पेज पे जाएंगी तो आपको इंशाल्लाह सारा रेसिपी मिल जाएगी। फेसबुक का हमारा पेज। समीना, बहुत बहुत ज्यादा दुआएं आपकी सेहत के लिए, आपके अच्छे शो के लिए, और आपकी होस्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच समीना, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।
अच्छा, फेसबुक का हमारा ऑफिशियल पेज लज्जत के नाम से है, वहाँ तमाम रेसिपीज बहुत टाइम से अपलोड हो जाती हैं। जो भी कभी भी मिस हो जाता है, वैसे तो हमारा लाइव शो 5 to 6 आता है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, और इसी तरह रिपीट हो जाता है 10:30 रात में ही। इसके अलावा भी मिस हो जाए तो बस फिर आप फिर लज्जत के पेज पे जाएं और वहाँ से आपा की रेसिपीज देख लें। बिल्कुल, ले सकते हैं और आप इंजॉय कीजिएगा हमारी रेसिपीज को। ये मेरी बहुत ही प्यारी सी मेरी दोस्त हैं और बहुत ही ज़माने से मुझे कॉल करती हैं और बहुत अप्रिशिएट करती हैं चीज़ों को। सबसे बड़ी बात ये कि ये खुद बनाती हैं फिर मुझे बताती ज़रूर है और सिखा रही हैं। जी जी, न्यू जनरेशन को मैं हर तरह की रेसिपी सिखा रही हूँ, बिल्कुल आपसे सीख कर। इसमें कोई शक नहीं है, जब भी ये कुकिंग क्लास के लिए भी मैं लाहौर गई हूँ तभी भी ये क्लास लेने भी वहाँ पर आती रही हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच फरदाना, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, खुश रहिए। आ जाते हैं अगेन अपनी रेसिपी पर। इसके लिए मैंने प्याज जो है वो हल्की फ्राई की, ये देखें जी इतनी फ्राई करनी है, ये हो गई। अब मैं डालूंगी यहाँ पे साबित गरम मसाला 1 टेबलस्पून, जिसमें तेज़पत्ता भी है, इसके अलावा साबित लाल मिर्चें, हल्की सी फ्राई करेंगे और डाल देंगे जनाब ये पिसी हुई प्याज, ये गई। इसके अलावा ये गए टमाटर, ठीक है। अब टमाटर जैसे थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ये दही। दही है यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप। नमक मैंने इसलिए अभी नहीं शामिल किया है कि ऑलरेडी हमारे पास जो गोश्त है बॉईल हुआ हुआ, इसके अंदर नमक पड़ा हुआ है, नमक शामिल है, ठीक है जी। तो ये इसके अंदर हम जब डालेंगे देखेंगे कि नमक कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा इसमें और ऐड। और जब हम घर पर बना रहे हैं, आपने कहा कच्चा ही शामिल कर दें, तो बिल्कुल कब करें कच्चा? जब हम ये पूरा मसाला भूलें तो डाल दीजिए बस, फिर कच्चा गोश्त डाल दें, आपको थोड़ा सा कुकिंग टाइम इसका आपका बढ़ जाएगा। लेकिन सेम इसी तरीके से आपने प्याज फ्राई करके निकाल ली है, क्यूब कट करना है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया और जूलन अदरक है, और साथ ही ये दही जो हम इस मसाले में डालेंगे, इसके बाद आप कच्चा गोश्त इसमें शामिल कर दीजिए, ठीक है जी। तो मैं काम करती हूँ, तो ये जैसे ही मसाला भुन जाएगा तो ये गोश्त इसमें शामिल करके थोड़ा सा पानी जो इसमें मौजूद है इस समय मैं इसमें डाल दूँगी, ये पकता रहेगा अच्छी तरह से। बाकी फिर क्या करेंगे ये आपको बताएंगे, और साथ ही मैं अपने सी कबाब कंप्लीट करूंगी। अच्छा, और दही नहीं डाल दिया? दही डालूंगी अभी डालूंगी नहीं, जरा सा थोड़ा सा और भुन जाए, थोड़ा सा और भुन जाए, दही डालेंगी और वो गोश्त डाल देंगे जो कि बॉईल हुआ हुआ है, और आप इसी स्टेज पे कच्चा गोश्त डाल के थोड़ा सा पानी और डाल के और तरह से बना सकते होंगे दो प्याजा जो कि मटन का है और बहुत ही ख़ास है। ये है शानदार सी रेसिपी, फिर है जी सीख कबाब बिरयानी, उसको भी और मज़ीद डिटेल में क्या क्या रह गए हैं स्टेप शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन अभी हम जा रहे ब्रेक पे, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। जी वेलकम बैक, और जैसे ही आप आए होंगे अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो मैं बता देती हूँ बहुत धुआं सा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने खूब भुना दो प्याज़ा के साथ साथ यहाँ सीख कबाब जो बन रहे हैं। हाँ, क्या आला खुशबू आ रही है, एकदम ज़बरदस्त। चले जी, ये हो गए तकरीबन हमारे सीख कबाब, ठीक है जी, ये हमारे हमने फ्राई कर लिए। अब मैं काम करती हूँ इसके ऊपर मैं कोयले का धुआँ लगा देती हूँ ताकि इसकी शिफ्टिंग कर दें हम थोड़ी सी ना, ठीक है जी। ओके, अब आप फ्राई हो चुके, ठीक है, इसका ऑयल तो मैं निकाल लूँगी बाद में, लेकिन यहाँ पर मैं ये रख रही हूँ इस वक्त, क्योंकि मुझे इसमें ही रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम का मसला है, वरना तो इसको आप निकाल के रखिएगा, ठीक है। चलें जी, ये गया, और इसको हम चूल्हे को बंद करते हैं और इसको कवर कर देते हैं। इस पे हम डालेंगे फौजी बनास्पति, हम इसमें डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में, हमें इसे फ्राई किया है और फौजी बनास्पति से हम देंगे इसको अच्छा सा स्मोक, ठीक है जी। ये चला गया, अब आ जाते हैं जल्दी से बिरयानी की तरफ। बिरयानी के लिए हमें सिंपल सा काम करना है, कुछ ज़्यादा इतना काम नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, इसके लिए हमें चाहिए होगा फौजी बनास्पति ही ले लेते हैं जनाब, ये गया इसमें तकरीबन 1/2 कप, ये गया। अच्छा, इसको हम एक काम करेंगे, यहाँ पर है मेरे पास ये प्याज, ये डाल देते हैं इसके अंदर, इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, इतना करना है कि ज़रा सा ये सॉफ्ट हो जाए, ठीक है जी। जैसे ये हो जाएगी इसके अंदर मैं बाकी के मसाले जार डालूंगी, जैसे कि ये मेरे पास टमाटर हैं। अब मैं काम करती हूँ एक बोल में सारे मसाले बना लेती हूँ ताकि टाइम की सेविंग हो जाए। इसके अलावा ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून, चूल्हा तो चल रहा है ना? जी जी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे बिरयानी का मसाला, ठीक है ना, कोई सा भी बिरयानी का मसाला हम ले लेते हैं अच्छी क्वालिटी का। ये मैं डालूंगी इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून, ठीक है, ये चला गया, थोड़ा सा ज़्यादा चला जाए कोई मसला नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि तो अच्छा ही लगता है हमेशा ना, ये क्या। इसके अलावा नॉर्मल नमक मिर्च भी डालूंगी, नमक डालूंगी मैं 1/2 टीस्पून, इसी भी लाल मिर्चें ये डालूंगी तकरीबन
वन टीस्पून हल्दी डालूंगी इसमें मैं, हाफ अ टीस्पून, ठीक है। ये डाल दिया, ये पूरा मसाला हो गया। जैसे ही थोड़ा सा ये और सॉफ्ट हो जाएगा, ये देखिए सॉफ्ट हो गया है थोड़ा सा। अच्छा एक काम करते हैं, ये हम कबाबों का बिस्मिल्लाह हटा लेते हैं। हो गया है डन, हो गया। हाँ ये राइस गरम है। चलें अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। नहीं अभी हुआ नहीं है। अच्छा इसके अलावा मेरे पास थोड़ा सा हरा धनिया है, पुदीना है, ये भी साथ ही डाल देंगे, और है हरी मिर्चें। ये सब मसाले के अंदर डालेंगे, शानदार सा मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग की भी तैयारी साथ साथ ही कर लेते हैं ना। अच्छा है, दम हो जाए, दम हो जाए, ठीक है ना। और इसी स्टेज पे मैं डालूंगी इसमें ये मसाला, ठीक है। अभी ये रख दीजिएगा ज़रा सा। और लेयरिंग के लिए तो आपको पता ही कि हम किस तरह से लेयर लगाते हैं। मसाले को भी हमें हल्का सा चंकी रखना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है इसको। अच्छा? ठीक है, हाँ ओके, ठीक है। अच्छा इसमें मैं डालूंगी ऑयल, जो कि है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अभी मुझे पानी दीजिएगा जी, पानी इसमें डालिएगा थोड़ा सा, बस बस, ठीक है। ठीक है जी, ये पानी चला गया, मसाला यहाँ पे अच्छा सा हो रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मुझे पानी चाहिए होगा ना। अभी नहीं, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँ मसाले को। अच्छा यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा लेमन जूस, जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। चलो मसाले को हम कर लेते हैं ज़रा अच्छा सा, और ये गया इसमें लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस। ये गया इसमें हरी मिर्चें, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ताकि अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आ जाए। बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, आप बनाइएगा, आपको मज़ा आएगा। I'm sure, हाँ, अच्छा सा मसाला भी लग रहा है, मसाला अच्छा सा है इसका। अच्छा इसके अलावा ये मेरे पास हरा धनिया है, ठीक है। इसके अलावा ये पुदीना है, पुदीना ज़रा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको हाथ से ऐसे ही तोड़ के डाल देती हूँ। ये गया पुदीना, ठीक है। ये गया इसमें हरा धनिया, पूरा डाल रही हूँ इसमें, सही। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब पानी चाहिए, अब चाहिए होगा मुझे पानी इसमें थोड़ा सा ना, बस बस बस, ठीक है। थोड़ा सा कुक करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा कुक करेंगे, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे ये सीख कबाब। अच्छा इसी मसाले में भी डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है जी, ठीक है। इसको अच्छा सा स्मोक आ गया होगा, हाँ, फ्लेवर्स और पिज्जा जी गए इसके अंदर सारे सीख कबाब। अच्छा इसमें से थोड़ा सा मैं इसमें से थोड़े से कबाब बचा के रखूँगी वो मैं गार्निशिंग के लिए, ठीक है जी। अच्छा हाँ, तो खास रीज़न है नहीं, गार्निशिंग ज़रा, हाँ ऊपर कोटिंग ना, कोटिंग ना हो ना, ये ओके ओके, बस ये है। ये हमारा पूरा तैयार है, ये 4-5 मैंने छोड़ दिए, ये रखे हुए ताकि मसाले। अब अभी आप राइस दीजिएगा मुझे, काफ़ी गर्म हो रहा है, बोल गर्म हो रहा है। चले बिस्मिल्लाह, चले ये गया हाफ क्वान्टिटी ऑफ राइस, सॉरी ये बहुत बड़ा है और बहुत भारी गरम भी है। चलो ये हो गया। अच्छा हम पानी किस लिए डालते हैं, ताकि हमारी जो है स्टीम बहुत अच्छी सी हो जाए। चलो बेहतरीन, ये हो गया। और अब मैं इसको इस पर डाल देती हूँ, पूरा मसाला डाल, मसाला पूरा मसाला, और इसमें हम कलर डालेंगे बिरयानी में बाद में ऊपर डालेंगे। ओके बिस्मिल्लाह, ये आ गया परफेक्ट। थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है, मसाला बिरयानी का नहीं ज़ाया होना चाहिए भाई। हाँ ये गैस के ऊपर चल ओके, ये हो गया। हाँ हो गया, अब ये ऊपर से डाल देंगे। अब ये पूरा डाल दें, पूरे के राइस चले गुड हो गया। ये भी सारे लेना, हाँ मैं भी लेती हूँ। इसको हम पहले कवर कर दें, सही। यहाँ पर मैं काम करती हूँ कि चूल्हा तेज़ करती हूँ। तवा चाहिए? नहीं अभी, अभी पैन तू लाएंगी, मैं कर देती हूँ। स्पैचुला मुझे दीजिएगा इधर से पूरे। अच्छा येलो फूड कलर, इसमें जैसे अभी पानी डालिएगा थोड़ा सा, राइस भाई ज़ाया नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाह ये चले गए। थोड़ा सा ऑयल अगर डालना चाहे तो डालें, लेकिन चूंकि मैंने चावल बॉईल किए थे तभी भी मैंने डाला था, नीचे भी डाला हुआ है और सालन में भी था, इसलिए मैं नहीं डालूंगी, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके आपको दे दो, नहीं आप अपने कपड़ों पे ना गिरा लीजिएगा। ओके हो गया, ये हो गया। और ये कहीं भी डाल दें, लेकिन एक ही तरफ डालें। चलें इसमें स्टीम आ गई, इसको मैं कवर कर देती हूँ बस।
अब ये गई दम पर, दम पे चली गई। ठीक है, तो ये थी हमारी बड़ी शानदार सी सीख कबाब बिरयानी जो कि आप देख रहे हैं कि अब दम पे चली गई। हाँ। दो मिनट के बाद मैं इसमें क्या करूँगी कि मैं इसमें तवा लगा दूँगी ताकि अच्छे से चावल जो है हमारे दम पे आ जाए। वैसे इसे जब अगर आप सेलर चावल का इस्तेमाल करें तो आपने क्या करना है कि आपने उसको फुल डन करना है नमक डाल के, ठीक है जी, ताकि कि वो बिल्कुल उसमें जो है कसर बाकी ना रहे। उसके बाद आप देखिएगा फिर भी वो बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। सेला चावल के मुताबिक तो हम आपको बताते रहते हैं, तो आप ब्रेक ले रहे हैं, बिल्कुल ब्रेक ले रहे हैं, फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इधर आ जाएंगे। अभी इसमें ये सारा काम बाकी है, बाकी है भी। वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने मटन दो प्याज़ा में जानने हैं। मज़ीद आगे क्या हो रहा है, ये है सीख कबाब बिरयानी जो कि बहुत ही ख़ास, बड़ी ही स्पेशल है, जो कि आपकी दावतों के लिए हो सकती है बिरयानी, इवन घर पे बनाए बिरयानी, बिरयानी हर एक की फेवरेट होती है। ये ख़ास रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, मज़ीद डिटेल करेंगे शेयर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यकीनन इंतज़ार होगा सीख कबाब बिरयानी का जो कि इतनी शानदार बन रही है, दम पर आ गई है, तवा अपा ने रख दिया है। अब आ जाएं दो प्याज़ा की तरफ। अच्छा जी, अब ये गोश्त जो है गल चुका है, ठीक है, हमने दही डाला था, दही डालने के बाद मसाला भूना, गोश्त डाला, गोश्त डाल के भी हल्का सा भून के, और उसमें आप घर में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा। मैंने वो पानी ऐड किया, ज़ाहिर है आपको तो पूरा गोश्त गलाना है ना, मैंने इतना पानी डाला है जो कि हमने जब बॉईल किया था थोड़ा सा पानी था इसके अंदर, तो हमें डिस्कार्ड नहीं करना और साथ ही डाल देना, ठीक है जी। ये हो रहा है, अब मैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करूँगी, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करूँगी और इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पर एक तो ये वाली प्याज जो हमने फ्राई करके निकाल के रखी थी, ये जाएगी इसके अंदर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, इसके अंदर ये जाएगी ये वाली क्यूब कट प्याज, एक बड़े साइज़ की आप ले लीजिएगा, और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सी अदरक अभी डाल देते हैं, थोड़ी सी गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे, और डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, ये गैस में हरा धनिया थोड़ा सा, ठीक है जी। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा ये दो प्याज़ा जो है वो आपका तैयार है, मसाला इसमें मिक्स हो गया है। 5 मिनट में इसको दम पे रखूँगी, इसको निकाल लूँगी, दैट्स इट। ये प्याज जो है ना इसका, इसमें क्रंच हल्का सा रहना चाहिए, ये क्यूब कट है, और जो हरी मिर्ची है ये भी बहुत अच्छी रहना चाहिए। अब मैं चूल्हा हल्का कर देती हूँ और उसको कवर कर देती हूँ। दैट्स इट, कितनी आसान सी रेसिपी थी वैसे, है ये तो है ना, हाँ। है ना, बना लेंगे हाँ। मतलब मजीद शक व शुबात में इजाफा किया आपने ये वाली बात बोल के। नहीं नहीं, बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि इतनी आसान रेसिपी, क्योंकि देखिए ये वो रेसिपी कढ़ाई से हट कर है, वरना अमूमन हम लोग कढ़ाई बनाते हैं, कौरमा बनाते हैं, दो प्याज़ा जिसमें पिसी हुई प्याज है, तो इससे क्या होता है कि इससे अच्छी ग्रेवी सी बन जाती है। फिर हमने बाकी की प्याज़ें डाली, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल, जैसे मैं इसमें थोड़ी सी और डालूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा प्याज अच्छी लगती है। टमाटर भी हमने डाले, दही भी हमने इसके अंदर शामिल किया, तो टेस्ट तो डेफिनेटली इसका अच्छा होगा। और इंशाल्लाह ताला ये जो बिरयानी यहाँ पे बन रही है ये देखिए, ओहो बहुत ही अच्छा सा इसका स्मोक जो है ये देखिए बेहतरीन, ये देखा आपने, थोड़ा सा इसका मिला देते हैं। अच्छा आपा बड़ी ध्यान से बड़ी ही प्रॉपर कलर का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि देखिए बिरयानी में बिरयानी बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हर कलर पीला, मतलब बिल्कुल पीली पीली भी नहीं लगना चाहिए, वाइट चावल जो हमने डाले हैं इसके अंदर वो भी हमें नज़र आने चाहिए। तो ये देखिए जब मैं इसको निकालूंगी तो कितनी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी। इसको अभी निकालेंगे, गार्निश करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, ये हो गया, इसको निकाल लेते हैं। ओके, दो प्याज़ा तैयार है, आपने कहा कि इसका क्रंच रहना चाहिए प्याज का, हाँ, तो मतलब अगर ज़्यादा देर नहीं, बिल्कुल ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इसको मैं फ़ौरन निकाल लेती हूँ। ओके चले जी, ज़बरदस्त खुशबू भी बहुत अच्छी सी आई है इसमें। आपा ये दो प्याज़ा बीफ का भी हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये चिकन का भी हो सकता है। ओह, अगर आपको जो फेवरेट है आपका उसमें वो बिल्कुल बना सकते, ये देखा आपने कितना कोई ज़बरदस्त सा, इसमें हल्का सा इसमें क्रंच बाकी है, ये नहीं कि प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हो या इसके अलावा, अच्छा क्योंकि जब तक आप निकालेंगे इसमें करेंगे तो हल्की सी सॉफ्ट हो ही जाएगी, बट आप इसका मज़ा लीजिएगा। चलें बिस्मिल्लाह, ये हो गया, टमाटर थे, दही था, इससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। चलें जी, हो गया, ओके परफेक्ट, अच्छा खासा बन गया है, तैयार हो गया है आपके सामने है, बस अब मैं काम करती हूँ, हाँ बिल्कुल ब्रेक लीजिए,
मैं इसको गार्निश करती हूँ, आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह बिरयानी भी बाहर होगी। और गार्निशिंग के लिए हमारे पास क्या है? अदरक और हरा धनिया जो हमने पे डाला था उसके। ओके ठीक है, तो हम ब्रेक पे जा सकते हैं। यहाँ सीख कबाब बिरयानी जिसका थोड़ा सा इंतजार है, अभी दम पर है ना? हाँ बस मैं निकाल रही हूँ। बस आपा कह रही रेडी है, हम इसे भी अच्छे से जो है प्लेटर में, बड़ा सा प्लेटर लेकर आई आप बिरयानी के लिए, उसमें निकालते हैं कैसा इसका लुक आ रहा है, तमाम चीज़ें वो शेयर करेंगे। अभी टाइम है रिकैप का भी, तो दोनों रेसिपीज जो आज की रेडी हुई हैं इनका रिकैप देख लीजिए, फिर एक ब्रेक है, फिर आते हैं ज्वाइन करते हैं अपनी टेबल, उस पर रखी शानदार रेसिपीज वो आपको दिखाएंगे। भुना मटन दो प्याज़ा, अच्छा उबला मटन 750 ग्राम, स्लाइस प्याज दो अदद बड़ी, पिसी प्याज एक अदद, दही 3/4 कप, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चम्मच, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, नमक हसब जायका, स्लाइस अदरक 1 टुकड़ा, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, कटा हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, कुटा जीरा 1/4 चम्मच, चॉप टमाटर 2 अदद, तेल 3/4 कप, क्यूब कट प्याज 1 अदद बड़ी। तरकीब, तेल गर्म करके स्लाइस प्याज फ्राई करें और निकाल लें। अब इसी तेल में मिक्स कर मसाला, साबित लाल मिर्च, पिसी प्याज, दही और नमक डाल के अच्छी तरह मसाला भून लें। फिर इसमें उबला मटन शामिल करें और आधा कप पानी शामिल करके 15 मिनट पका लें। उसके बाद तली प्याज, कटा हरा धनिया, कुटा जीरा, चॉप टमाटर और हरी मिर्च डालकर भून लें। अब क्यूब कट प्याज डाल के दम पर रख दें। आखिर में अदरक से गार्निश करके सर्व करें। सीख कबाब बिरयानी, सीख कबाब के अज्जा, गाय का कीमा 400 ग्राम, तली पिसी प्याज 2 खाने के चम्मच, चॉप्ड हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पिसा गर्म मसाला 1/2 चाय का चम्मच, सीख कबाब मसाला 1.5 खाने का चम्मच, कोयला धुआं देने के लिए, तेल फ्राइंग के लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, भुना बेसन 2 खाने के चम्मच। बिरयानी के अज्जा, उबले चावल 1/2 किलो, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक मिर्च हल्दी हसब ज़रूरत, बिरयानी मसाला 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, हरा धनिया पुदीना हसब ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, चॉप टमाटर 3 अदद, तेल 3/4 कप, पीला रंग हसब ज़रूरत। तरकीब, सीख कबाब के तमाम अज्जा मिलाकर पीस लें। अब इनके सीख कबाब बनाकर तेल में फ्राई करें और धुआं लगा दें। बिरयानी के लिए तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर चॉप टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक मिर्च हल्दी शामिल करके मसाला भून लें। उसके बाद पिसा गर्म मसाला, बिरयानी मसाला, नींबू का रस और 1/2 कप पानी डाल के पकाएं। अब सीख कबाब, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च शामिल कर दें। फिर एक पतीली में 1/2 पानी और 2 खाने के चम्मच तेल डालकर 1/2 उबले चावल मिला दें। आखिर में सीख कबाब मसाला, बाकी 1/2 चावल और पानी में हल किया हुआ पीला रंग शामिल करके दम पर रख दें। वेलकम बैक, और बहुत मज़े की रेसिपीज़ तैयार हुई है। मैं आपको ये कह रही थी क्योंकि मेरे पास यहाँ बिरयानी मौजूद है, बड़ी अच्छा मसाला, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सीख कबाब है ना, इतना ज्यूसी, इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा। हालांकि हमने इतना टाइम नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद आपने फौरन बना लिया। आपने कहा कि पीसने के बाद इंतजार, थोड़ा सा टाइम दे और अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। बड़ा मजे का चटपटा सा बना है नामशा की, जो लोग बिरयानी चाहते होंगे अच्छी चटपटी सी हो, तो ये सीख कबाब बिरयानी बना डालें और खुश हो जाएं कि क्या शानदार है। और एक अच्छी बात आपने ये भी कहा कि 3 डिफरेंट रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं, कढ़ाई बना सकते हैं बहुत शानदार सी, और भी 1-2 चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह फिर कभी करूँगी तो आपको बताऊंगी। जरूर, जैसे सारी रेसिपीज बता दूं तो फिर आप, मैं क्या बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि जो भी कुछ मुझे समझ आता है, जैसे मैं अपने घर में करती हूँ, कि हमारे तमाम ख्वातीन यही चाह रही होती कि हम एक चीज़ से कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट कर लें कि ज़रा डिफरेंट टेस्ट लगने लगे। अब ज़ाहिर सीख कबाब तो खाते हैं, पराठे के साथ भी, चटनी के साथ भी, सैलड के साथ भी, तो कभी दिल चाहता है उसको कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। सेम इसी को आप कढ़ाई बना लीजिए, सेम इसी से आप बना सकते हैं मतलब बिरयानी। आपने देख ही लिया कि कितनी सिंपल सी ये बिरयानी थी, कोई कटिंग वटिंग इतनी ज़्यादा हमने नहीं की, कोई लेयर्स नहीं बनाई, कुछ नहीं, फटाफट ही तैयार हो गया। आपने देखा कितनी जल्दी हुई है ना, तो बिल्कुल बनाई है ना। इसको आप सिजलर पे भी सर्व कीजिए इन सीख कबाब को, तो भी बहुत अच्छे लगे। जैसे हमने गोला कबाब किया था ईद के दौरान किया था, हाँ, तो आप इसको कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा ना। गोरे कबाब का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। देखिए बहुत बेहतरीन रेसिपी, ये वो रेसिपी आपा ने आपको दी है जो यूजुअली हम
रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वहाँ के जो सीख कबाब का फ्लेवर होता है वो बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है, बड़े अच्छे से गले हुए, बड़े मज़ेदार से अंदर चटपटा मसाला, खूब अच्छा सा बैलेंस मसाला। चटपटा में हरगिज़ ये नहीं सोचेगा कि बड़ा स्पाइसी सा होगा, बड़ा अच्छा बैलेंस है और बहुत सॉफ्ट। तो इस तरह की रेसिपी आप बनाएं एंड आई एम श्योर कि वैसे भी आप प्रेजेंट करेंगे अकेले सीख कबाब वैसे ही बना के, हाँ बहुत अच्छे लगेंगे, तब भी ये बहुत आप राइस के साथ भी, प्लेन राइस, बघारे राइस जो है उसके साथ भी इसको अलग से सर्व कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। अब ये देखिए कोई भी चीज़ आपको आती है ये आपके अपने माइंड की क्रिएटिविटी है कि आप उसको किस तरह से मज़ीद कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये ज़्यादा आसान तरीके हैं दो तीन कि जो मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किए ताकि आप अपने घरों में बनाएं और इन्जॉय करें, है ना, क्योंकि अमूमन आपके घर में भी हो रहा होगा बारबेक्यू बहुत सारे घरों में, नहीं तो इस वीकेंड पे होगा, दो तीन दिन के बाद होगा, तो ये करें और फिर बनाइएगा इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। हाँ तो ये तो बहुत अच्छा है, आप डायरेक्ट उस पे बारबेक्यू ग्रिल पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सेम तो और स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला, अभी है इसमें हाँ। लेकिन आपने बहुत थोड़ा डाल दिया हमेशा हाँ। कि आपको फील होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, तो ये आप, मुझे वैसे ऐसा स्मोकी फ्लेवर पसंद है, हल्का सा फील होना चाहिए, ये नहीं कि आपका गला वाला सारा ख़राब होना चाहिए ताकि आपको लगे बस के धुआं ही है, बस धुआं ही है, वही खाया ऐसा नहीं। देखिए जो कोयले से हम के ऊपर हम बारबेक्यू करते हैं उसमें और स्मोक इस तरह से लगाने में थोड़ा फ़र्क होता है उसके लिए, वो कितना पकते हैं उसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर हम ज़रा से भी ज़्यादा स्मोक लग जाए तो वो एकदम गले में लगने लगता है ना, तो एक कोयला ज़्यादा नुकसान कर रहा होता है बहुत ज़ोर से करता है फिर वो तो नुकसान, और फिर आपको बर्ब्स और इंडाइजेशन इन्हीं फिर स्मोक की ही फ्लेवर की वजह से ज़्यादा हो रही होती है। बहरहाल आई नो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन दो प्याज़ा को मत भूलिएगा, ये भी अपनी जगह बहुत बेहतरीन बना है, मटन दो प्याज़ा, जो चिकन दो प्याज़ा, बीफ दो प्याज़ा, हर तरह से बन सकता है, पर बहुत अच्छा सा है, थोड़ी थोड़ी ग्रेवी है लेकिन बेहतरीन सा है कि आप इसे बनाएं चपाती के साथ, जो भी आपको पसंद आता है, मैं खास चपाती के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है ये ना, चपाती के साथ बनाएं और इन्जॉय करें। ठीक है जी, तो अच्छी हो गई दो रेसिपीज, इन्जॉय कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, मिस हो जाए तो रिपीट पे देख लीजिएगा 10:30 PM, और इसके साथ साथ जी हमारे फेसबुक पेज पे भी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह कल तक, जो कि लज़त के नाम से हमारा पेज बना हुआ है, उस पर आप देख लीजिएगा सारी रेसिपीज अपलोड। कल फिर हाजिर होंगे, कल की भी ईद के हवाले से रेसिपीज होंगी, नहीं कल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, फाइनली आपने चेंज किया के कल हम चिकन से बनाएंगे, क्या बनेगा ये आप देखिएगा। ओके तो कल है चिकन से रिलेटेड रेसिपीज, तो थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो अच्छा है इस तरह की रेसिपीज भी देखेंगे सीखेंगे। समीना आप पास है तो दीजिए इजाजत, कल मुलाकात कर रहे हैं मजे की रेसिपीज के साथ, अल्लाह हाफिज़।